हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ये जॉकी का मास्क, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है और ये मैंने ऑफिशियल जॉकी की वेबसाइट से ख़रीदा है। और दिखने में ये मास्क काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने दो मंगाए थे, एक मेरे डैड ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, मैंने उसे चेक किया और मैंने सोचा इसकी उसको मैंने यूज़ भी किया। मैंने सोचा इसकी एक मैं जो है रिव्यू बना दो और एक अनपैक करने का स्क्रिप्ट वीडियो बना दो। तो प्राइस इसकी है 249, लेकिन आपको इस पर डिलीवरी चार्ज लगेगा जो है करीब करीब 30 रुपये का। जी हाँ, तो मुझे 30 रुपये का डिलीवरी चार्ज लगा है और ये मुझे पड़ा है 280 में। जल्दी से इसे खोल के देख लेते हैं अंदर क्या है। पैकेजिंग तो काफ़ी सही किस्म की है। अंदर आप देख लेते तो आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है, 7 लेयर हेप्टा फिल्ट्रेशन सिस्टम। ओके, तो इसमें 7 लेयर्स बता रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये मेडिकल यूसेज के लिए नहीं है, मतलब एक नॉर्मल मास्क के जो ठीक है, मतलब इतना खास नहीं है लेकिन अच्छा है। मैंने मंगाया है साइज़ L। इसमें एक स्मॉल साइज़ आता है और एक L साइज़ आता है। सिर्फ दो साइजेस आते हैं यहाँ पे होलोग्राम जॉकी का, मतलब ये जेन्यून है। ये रहा मास्क। ओके, तो ये इसी पैकिंग में था, ये इसके हैं लेकिन पता नहीं क्यों निकले हुए। अंदर इसके मिलता है ये, यहाँ पे जॉकी का एक साइज L का सिंबल और यहाँ जॉकी की ब्रांडिंग है। ठीक है, यहाँ जॉकी का एक साइन है और ये इसकी स्टिचिंग वगैरह है। और दोस्तों मास्क यहाँ से डबल लेयर लग रहा है, ये तो मोटा कपड़ा है थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा सैटिन जैसा है और ये कॉटन है प्योर। और ये इलास्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं, मैंने इसे यूज़ किया मैं डेड केस में। प्रॉब्लम सिर्फ एक होता है कि बाकी मास्क की तरह ये भी जो है इतना ब्रीदेबल नहीं है। आप जब सांस ज़्यादा देर तक इसे पहनते हो तो सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, मैंने भी ये चेक किया है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, लेकिन मास्क ये जो है, क्योंकि मैंने काफ़ी मास्क ट्राई किए हैं, लोकल भी ट्राई किए हैं और काफ़ी ब्रांडेड भी ट्राई किए हैं, सर्जिकल मास्क भी ट्राई किए हैं, लेकिन मेरा चेहरा थोड़ा बड़ा है तो मुझे मास्क जो है बराबर आते नहीं थे। तो मैंने बोला क्यों ना ये जॉकी का मास्क एक बार ट्राई किया जाए। तो अब तक के तो मुझे ये सही लग रहा है, मैंने इसे यूज़ भी किया और मतलब बस वही कि कंटिन्यूसली अगर मैं 1 घंटे के ऊपर पहनता हूँ तो थोड़ा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, थोड़ी घुटन जैसी महसूस होती है। और बाकी का देखेंगे, यहाँ पे एक आपको जो नोज़ के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है वो दिया गया है। हाँ, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से आपके नाक के। तो ये जो है आपकी नाक के ऊपर और आँख के अंदर जो है वो वहाँ बैठ जाएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और स्ट्रैप्स में अगर आपको बताऊँ तो ये इलास्टिक के है, अच्छे स्ट्रैप्स है और यहाँ पे अच्छा है। और ये एडजस्टेबल है, तो अगर आपके जो कोई और बच्चा या कोई पहनना चाहता है तो वो भी ये पहन सकता है क्योंकि ये एडजस्टेबल है। बस इतना है कि ये साइज़ जो है ये बड़ा हो जाएगा, तो आप जो स्मॉल साइज है वो ले सकते हैं, मैंने ये लार्ज लिया है। ओवरऑल दोस्तों यही है इसका, क्योंकि बस यही थोड़ा मतलब ब्रीदिंग में 1 घंटे के बाद प्रॉब्लम होता है। बाकी तो मुझे मास्क अच्छा लगा, मैंने वाइल्ड क्राफ्ट का देखा और जैसे मैंने बताया सर्जिकल मास्क और दूसरे दूसरे मास्क ट्राई किए, लेकिन वो पतले होते हैं, उनमें तकलीफ़ नहीं होती है सांस के लिए, लेकिन मेन पर्पज़ क्या हो गया मास्क लगाने का, फिर तो ऐसा ही है कि वो बहुत पतले हो गए, ये थोड़े मोटे हैं तो इसलिए इसमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम भी इसमें थोड़ा नीचे करके सांस ले सकते हैं और वापस से पहन सकते हैं। तो ओवरऑल यही था दोस्तों, ये है जॉकी का मास्क। और अगर आपको लेना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ ये jockey.in पे अवेलेबल है, जॉकी की जो इंडियन वेबसाइट है ऑफिशियल, और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और कोई भी ई कॉमर्स साइट पे नहीं है।
जॉकी के यहाँ पे अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपको डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। तो अगर आपको देख रहे हैं आप कोई 300 रुपये के अंदर अच्छा मास्क, अच्छी क्वालिटी का जो अच्छे ब्रांड की तरफ से हो, तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक है जॉकी का, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बचा हुआ आप कमेंट में मेरे को बताइए कि आपको उसमें कोई क्वेरी वगैरह है, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही था दोस्तों ये वीडियो में। प्लीज़ आप